हनुमंत छाया ज्वेलर्स लाए हैं आपके शहर एवं आपके बजट में फार्म हाउस की श्रृंखला श्री हनुमंत छाया वाटिका, राजघाट रोड स्मार्ट सिटी बस स्टैंड से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, तो आज ही संपर्क करें। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हुआ और इसी मतदान के बीच टीकमगढ़ जिले से एक विवाद की तस्वीर सामने आई। यहां नगर परिषद के मतदान के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बेटे और भाजपा विधायक आपस में उलझ गए। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि टीकमगढ़ के बूथ क्रमांक 2 पर ईवीएम में गड़बड़ी होने से कुछ समय के लिए मतदान रुक गया था। इसी दौरान यहां भाजपा विधायक एवं कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के पुत्र पहुंचे, जहां मतदान केंद्र में जाने को लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हुई और विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। यदि आप जनता के दिल नहीं जीत पा रहे तो गुंडागिरी करके आप चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। नगर की जनता गिरी परिवार को पसंद करती है, उन्हें लग रहा है कि देहागिरी को हम कैसे हराएं। इसलिए यादवेंद्र सिंह उनका पूरा परिजन वहाँ बूथ पर चिन्ह पड़ने पहुँचा, माहौल ख़राब करने पहुँचा। इसके बाद जैसे मेरे भाई के ऊपर मारपीट की, हमला किया, उसको गंभीर चोटें आई, अस्पताल में भर्ती है, तो हम और हमारी पत्नी जैसे ही पहुँचे तो हमारे जो वहाँ लोग खड़े उनके ऊपर भी इनके द्वारा मारपीट की जा रही थी, तो मैंने दोनों पक्षों को बचाने का प्रयास किया, तो इस बीच मेरे ऊपर भी उनके द्वारा हमला कर दिया। स्वयं यादवेंद्र सिंह ने, उनके परिजनों ने हमें गाली गलौज की, मेरे साथ धक्का मुक्की की। मैं हद प्रभु, इस घटना से बहुत ही निंदनीय घटना है, जो इंसानियत की पराकाष्ठा है। जनता को तय करना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये तय करने वाले कौन होते हैं दूसरे चुनाव। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा, जहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। बहरहाल इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की ओर से लोग जख्मी हुए हैं, जिन्होंने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। प्रत्याशी के चीता कुशवाहा, जब वो अंदर थी तो उसको धक्के देके बाहर निकाल दिया। उनके लोगों ने शिकायत करी कि साहब प्रत्याशी को अंदर नहीं जाने दे रहे, और दूसरी तरफ जो है सब अंदर घुसे हैं, मतलब उनके गोलू गिरी भी, उनके जितने भी अभिषेक गिरी भी और दुनिया भर के लोग। तो जब अंश वहाँ पे ऐसे निरीक्षण करते हुए पहुँच गए, तो अंश ने जब इतराज किया तो अंश को ही मानने के लिए पड़े। बोले जब अंश को मानने के लिए पड़े, उसके बाद फोन शुरू हो गए। फोन शुरू हुए तो सब लोग पहुँच गए वहाँ। तब तक ये लोग जो है, ये लोग बाउंड्री के अंदर थे ना, वहाँ पे कोई विवाद हुआ, हाँ मुँह जवानी तो हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि हम हर बूथ पर कब्जा कर लें। वहाँ पे हमारी प्रत्याशी कमज़ोर है, उसको दबाना चाहते हैं, छपाना चाहते हैं। वहाँ पे उनके जो एजेंट थे गणेश मान सिंह को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, और अभी आप देख रहे हो कि हमसे भी पुलिस कह रही है कि आपको भी थाने चलना पड़ेगा। मैंने दिग्विजय सिंह से बात करी, मैंने कमलनाथ से बात करी, और मैंने कहा कि मैं थाने जा रहा हूँ, उसके बाद जो स्थिति बनेगी उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। विधायक का आरोप है कि आपकी